वेलकम टू अजमेर रसोई। आज हम बनाएंगे तिल की गजक। मैं आपको इसका एग्जैक्ट मेथड बताऊंगी, जिस तरह से हलवाई तैयार करते हैं। अगर आपको मेरी गजक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है। मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी। मैं इसमें 1/2 कप चीनी डालूंगी, जो वेट में 100 ग्राम है। अब मैं इन्हें मेल्ट कर लूंगी। ये मेल्ट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें कढ़ाई में डाल दूंगी। गुड़ को इस तरह से छानने से गुड़ का कचरा साफ हो जाएगा और हमारी गजक में मिट्टी भी नहीं आएगी। अब हम इसे हिलाते हुए फुल फ्लेम पर पका लेंगे। जब तक हमारा गुड़ पक रहा है, तब तक हम तिल को भी सेक लेंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप धुले हुए तिल लिए हैं। हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। हमारे तिल रोस्ट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इधर हमारा गुड़ लगभग पक चुका है। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल दूंगी। हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। मैंने बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है। अब मैं इसमें थोड़े से गुड़ को डालूंगी। देखिए, हमारा गुड़ कड़क होके टूट रहा है, मतलब हमारा गुड़ पक चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम गरम गरम ही गुड़ को घी लगे हुए बर्तन में डालेंगे। अब हम गरम गुड़ को ही चम्मच से इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। देखिए, हाथ से थोड़ा छूने लायक हो गया है। अब मैं इसे हाथ से धीरे धीरे खींचना स्टार्ट कर दूंगी। आप इसे थोड़ा सा ध्यान से करें, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं। हम इसे तब तक खींचेंगे जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए। देखिए, इसका कलर लाइट गोल्डन हो गया है और ये खिंचना भी कम हो गई है। अब मैं इसे इस तरह से गोल कर लूंगी। मैंने तिल को फिर से हल्का गरम कर लिया था। अब मैं इसमें हमारे खींचे हुए गुड़ को डालूंगी और इस तरह से तिलों को मिक्स कर लूंगी। देखिए, हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तिल गुड़ में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, सारे तिल मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे कूटेंगे।
अब हम जल्दी जल्दी इस तरह से मूसल से कूटेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से कूट लिया है। अब हम इसके फटाफट से चाकू से कट लगा लेंगे। मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूंगी। ये सेट हो चुकी है। मैं इसे आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए हमारी गजक कितनी अच्छी बनी है और ये बहुत ही क्रंची और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। आप इस गजक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।